क्या है इत्मीनान की जगह है। हेवन जो है जहां पर खुदा की हजूरी है वो हेवन है। जी, ये भी हमने सीखा था। ग्रेस, वुड यू लाइक टू शेयर यू नो व्हाट इज हेवन लाइक एंड वी लर्नड इन द लास्ट टाइम? नो नो, व्हाट यू लर्नड यू जस्ट से इट। या आई हैव इट रिटन डाउन। Heaven is a place of peace, love, community, and worship, where God is surrounded by a heavenly court and other heavenly beings, like angels and animals and animals, but not there. Creatures, creatures. Mm-hmm. Like the animal-like things, like the lion, eagle, yes. the man and ox. The ox. Yeah, good. And it's just like a place which has a lot of happiness, and you won't have any suffering, sadness, hate, none of that. So, yeah. Nice, good, good. Gabby, what would you like to share? Something different. Yeah. Same little problem. Heaven's, it's an amazing place. Yeah, yeah. It is. Mm-hmm. Heaven is a place where Jesus is residing, the right hand of God, his Father. Sister, apne kuch kaha? Abdi itminan. So, what is heaven like? So, where there is a presence of God, that is heaven, isn't it? जब हम गीत गाते हैं, ठीक है, खुदावन की हम तो स्तुति करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर खुदा का तख्त जो है, which means that कि वो अपने जैसे हेवन छोड़ के इधर आ जाता है, ठीक है? जहाँ पर उसके लोग जो हैं उसकी हम तो स्ताइश करते हैं। और यही बात जो है हम सीखते हैं कि लूसीफर जो था वो सराफीन था। सराफीन वो फरिश्ते हैं जो खुदावंद की स्ताइश और हमद गाते रहते हैं हर वक्त 24 घंटे। अब शैतान जो है वो जब शैतान बन गया, यानी वो शैतान कैसे बना, वो पहला गुनाह जो उससे सरजद हुआ वो गुरूर का था। उसने गुरूर किया, उसने कहा कि मैं अपना तख्त जो है वो खुदा से ऊंचा बनाऊंगा। उसने चार चीजें जो है वो कहा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो सारा कुछ जो है जो यशायाह की किताब अब में है 14वें बाब में कि मैं ये करूंगा। तो वो उसने क्या किया कि वो गुनाह जो है वो उसमें आ। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आजकल हमारी जो जिंदगी है, हमारे इर्द गिर्द जो है वो एक स्पिरिट है जो सिंगिंग की स्पिरिट है, जिसमें पॉप म्यूजिक है, दूसरा म्यूजिक, बच्चे जो हैं उस स्पिरिट में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि वो हर बुरा काम उस स्पिरिट की वजह से करते हैं। अब ये क्योंकि उसकी खूबी थी, शैतान की खूबी क्या थी कि वो गाता रहता था, तो ये वो उसके पास हर किस्म की मौसीकी और हर किस्म की चीज है। तो इस स्पिरिट को के जरिया से नौजवानों को घेरता, ऐसे लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं वो इस म्यूजिक को सुनना पसंद करते हैं। जो अच्छा म्यूजिक नहीं, वो खुदा की हमद नहीं कर रहे होते, तो क्योंकि ये उसकी खूबी निशान है और वो उसको वो जानता है, इसलिए सो हेवन से जब हम उसकी अपोजिट जगह को देखते हैं तो वो अपोजिट जगह हमें कौन सी नजर आती है? हेल। हेल का जिक्र हम देखते हैं स्क्रिप्चर में, कलाम में हम पढ़ते हैं कि हेल हेल वो जगह है जहां पर खुदा की प्रेजेंस नहीं है। ऐसे तो हम
ये मानते हैं कि खुदा जो है ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद है, लेकिन वो जगह जहां पर खुदा की प्रेजेंस नहीं होती उसको उन्होंने हेल बनाई है, और वो हेल सिर्फ और सिर्फ शैतान के लिए बनाई गई है, इंसानों के लिए नहीं बनाई गई। उसके हवारियों के। हाँ जी। अब इंसान वो वाले जाएंगे उधर जो खुदा के साथ नहीं, जो शैतान उनको वर्गलाता है और उनको अपने साथ मिला। जिस तरह खुदा हाँ अपने लोगों को बरकतें देता है, इसी तरह शैतान भी जो है वो अपने लोगों को बरकतें देता। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, जो शैतान के जो इंसिग्नियास हैं वो उनको यूज करती हैं, क्योंकि वो अपनी रूह को सामने बेच देती हैं, तो उनको दुनिया में बेशुमार दौलत मिलती है। और शैतान ने जब खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया तो उस वक्त भी उसने क्या कहा था कि अगर तू मेरे मुझे सजदा करे तो मैं ये सारी सल्तनत तुझे दे दूंगा, सारी दौलत हर चीज जो है वो मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को क्या ये सल्तनत चाहिए थी? उसने उसको थी, उसकी तो ये किंगडम ही नहीं है, ये तो शैतान की किंगडम है। खुदा की किंगडम जो है वो तो तीसरे आसमान पर है, और फिर वो किंगडम लेके जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस जहां में आएंगे और 1000 साल के लिए शैतान को बांध दिया जाएगा और उसके जो फरिश्ते हैं उनको बांध दिया जाएगा, तो वो 1000 साल का जो वक्त होगा उसमें खुदावंद जो है वो अपनी किंगडम पर रूल करेगा और हम उसके साथ क्या करेंगे? रूल करेंगे। उस वक्त क्या होगा? कोई मुनादी नहीं होगी, कोई पास्टर नहीं। इसलिए कि लिखा है कि वो जो खुदा का कलाम है वो हमारे दिलों पर लिख दिया जाए, तो वो हमारे दिलों पर ऑलरेडी होगा। सो जब हम देखते हैं कि अपने ईमान के लिए हम वो जो हथियार हैं, ईमान के हथियार हैं, उन हथियारों में से जो खुदा का कलाम है वो क्या है? वो दो धारी तलवार भी है और वो आपकी शील्ड भी है, वो आपको बचाता भी है और वो आपके अटैक के वक्त भी काम आता है। और अटैक आप किस पे करते हैं? वो इन्हीं प्रिंसिपैलिटीज पे, वो उसको उन पर अटैक करने के लिए काम आता है। सो ये दो चीजें हम पर वाजह हुई कि हेवन जो है वो ऐसी जगह है जहां पर खुदा और उसके फरिश्ते और 24 बुजुर्ग और खुदावंद यीशु मसीह और रूल कुदस है। और इसके अलावा हजारों, उसके टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वो लिखा हुआ स्क्रिप्चर में कि इतने उसके फरिश्ते हैं, मतलब तादाद मालूम नहीं है कितनी तादाद है। तो इतने फरिश्ते हैं जो खुदा के काम करते हैं और खुदा के जो ये फरिश्ते हैं हमारे जो हम सोचते हैं कि ये फरिश्ते कैसे हैं, हाँ जी वो कैसे होंगे? जब हम उनको सोचते हैं कि ये फरिश्ता बड़ा खूबसूरत होगा, उसके परे पार होंगे, गोल्डन पार होंगे और शायद उसके साथ पे तो कोई ताज होगा, और ये वो डिस्क्रिप्शन भी है जो हम स्क्रिप्चर में पढ़ते हैं, कलाम में हम पढ़ते हैं उनके मुतालिक बहुत सारी चीजें जो हैं फरिश्तों के बारे में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जो फरिश्ते हैं वो खुदा की ऐसी मखलूक हैं जो उसने अपने लिए बनाए कि ये फरिश्ते जो हैं वो उसका पैगाम लेके आते हैं हम तक, राइट? फिर उसकी जजमेंट लेके आते हैं, ठीक है? जब खुदा ने किसी को पैगाम देना होता है, मैसेज
देना होता है तो मैसेंजर बन के आ जाते हैं, फिर वो वॉच करते हैं हमें, दे आर वॉचर्स, वो हमें वॉच करते हैं, फिर वो कलाम में लिखा है कि वो तुम्हारे आगे आगे चलते ही हैं ताकि तुम्हारे पाँव को कोई जो है वो ठोकर ना लगे, और अगर लगेगी तो वो तुम्हें फौरन से संभाल लेते हैं। फिर फरिश्ते जो हैं, क्योंकि हमारी आंख उसको देख नहीं सकती उनको, तो वो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, कभी कभी वो इंसानों के रूप में आते हैं, ठीक है, जैसे इब्राहिम को मिलने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं याकूब को मिलने के लिए, लेकिन जब यूसुफ को मिलने के लिए आए हैं तो वो फरिश्ते ही किस सूरत में आ गए, ठीक है, गडरियों को आके मिले, राइट, आके वो गडरियों के साथ उन्होंने वो गीत भी सुनाया, ठीक है, और उस वक्त वो लश्कर के तौर पर अपीयर हुए। तो ये सारे जो हैं फरिश्ते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो हम देखते हैं कि वो कलाम में लिखा है, वो व्हील की तरह है, यानी एक सर्कल है, दैट दे आर लाइक सर्कल एंड ऑन, और वो सर्कल जो है एक ऐसे एक सर्कल है, एक उसके साथ ऐसे सर्कल है, फिर उसके साथ एक और ऐसे सर्कल है, और उन सर्कल्स के ऊपर क्या है, आंखें ही आंखें हैं, दे आर ऑल आईज। सो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो इस तरह से इलस्ट्रेशन है जो गूगल पर दी गई है कि ये इस तरह का होगा, जो हम अपने सोच के मुताबिक जो है वो उसकी पिक्चर बनाते हैं कि उसकी आंखें ही आंखें हैं, और फिर जो ग्रेस ने बताया हमें कि वहां पर वो एनिमल्स हैं, वो एक्चुअली एनिमल्स नहीं हैं, दैट दे आर दी, जैसे हम कहते हैं ना खुदा की सिफ्त है, वो सिफ्त उनके अंदर है। सिफ्त किसकी है उसके अंदर, यानी शेर बबर की सिफ्त है उसके अंदर, उसके अंदर जो है ऑक्स, ऑक्स क्या है, ऑक्स साइन है जोर का, वो भी एक जोर का निशान है, और फिर ईगल, ईगल क्योंकि बहुत ऊंचा होता है, और फिर ईगल जो है वो मीलों से नीचे जमीन पर देख लेता है, फिर इंसान की शक्ल है, ये चार शक्लों वाला ये जो फरिश्ते है, इसको हम जानते हैं, ये जो है ये खुदा के तख्त के आगे है, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि देर आर चेरूबियम्स, ऐसे फरिश्ते जिनको चेरूबियम्स कहा जाता है, वो क्या कर, उनका क्या काम है, जैसे कि हम बाइबल में पढ़ते हैं उनका काम जो है वो जिंदगी के दरख्त की हिफाजत करते हैं, जब हम पैदाइश में पढ़ते हैं वो जिंदगी के दरख्त की हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा और काम जो भी खुदा ने उनको दिया है, वो जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसको पूरा करते हैं, ठीक है, और बाकी जो आम एंजल्स हैं, एक और चीज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब हम छोटे होते थे, मैं स्कूल में होता था, ठीक है, तो जब हम आपस में बातचीत करते थे अपने दोस्तों यारों के साथ, कि जब हम देखते हैं कि हम मिस्टेक करते हैं, कोई ना कोई गलती हमसे सरजद हो जाती है, तो हम कहते हैं एक दूसरे को कि यार मैं इंसान पे गलती का पुतला है, राइट, सो गलती होगी, सो बट मैं कोई फरिश्ता नहीं, तो उस वक्त हम ये सोच रहे थे कि फरिश्ते जो हैं वो गलती नहीं करते, लेकिन जब हम कलाम में पढ़ते हैं और आगे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ये शैतान है, शैतान को भी खुदा नहीं, यानी वो फरिश्ता था उस, तो यहां पर हम लर्न करते हैं कि जो फरिश्ते हैं खुदा ने जैसे इंसान को फ्री विल दी है, उसी तरह उसने फरिश्तों को भी फ्री विल दी है, और वो उस फ्री विल का जो है वो फायदा उठाते हैं। इसके बावजूद
کہ وہ خدا کی ساری شان و شوکت اور اس کی طاقت اور اس کی قدوسیت کو جانتے ہیں. یہ بادشاہوں کا بادشاہ اور یہ کریئٹر ہے ہمارا. Right? لیکن اس کے باوجود وہ اپنی فری ویل سے کیا ہوا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ مل گئے. تو شیطان نے کیا کیا ہے, اس کا مطلب جو لوسیفر ہے اس نے کیا کیا, جیسے پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر کرتی ہیں کہ وہ لابیز کرتی ہیں, رائٹ, لابیز بناتی ہیں اپنی اور لوگوں کو جا کے بتا دیں گے جی اگر یہ میرے ساتھ ہو گیا تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور یہ فائدے آپ کو ہوں گے اور میں آپ کو یہ میرا اختیار دے دوں گا اور یہ کر لیں گے. سو خدا کے خدا نے جب شیطان کو نیچے بھیجا تو اس کے ساتھ اس کے جو وہ فرشتے اس کے ساتھ تھے, اس کی فوج جو تھی وہ بھی اس کے ساتھ آتی, اور انہوں نے آ کر زمین پر پھر جو ہے وہ برے کام کیے. اب ایک اور چیز ہے جو آگے ہم جا کے پڑھیں گے اور جانیں گے, پرنسپالٹیز پاورز تھرونز اینڈ ڈومینینز کے بارے میں تفصیل سے ہم دیکھیں گے کہ یہ ان کی کیا پاورز ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے ہم نام پرنسپالٹیز کا لیتے ہیں, تو پرنسپالٹیز جو شیطان کی کنگڈم ہے, جو ڈیولز کنگڈم ہے, اس میں سب سے ٹاپ پر آتا ہے پرنسپالٹیز. اس کے بعد پاورز ہیں, پاورز کے بعد تھرونز ہیں, تھرونز کے بعد جو ہے وہ ڈومینینز ہیں. ڈومینینز جو ہیں وہ ایکچولی جن کو ہم ڈیمن کہتے ہیں, ایکچولی ہے یہ سارے کے سارے ڈیمن ہیں, لیکن ڈیمنز جو ہیں وہ سب سے لوئر کیٹیگری میں آتے ہیں. باقی پرنسپالٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں. اور پاورز اور تھرونز کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو چار چیزیں ہیں اور پھر شیطان جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے, اور وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. بائبل میں ہم پڑھتے ہیں ان سے متعلق تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پرنسپالٹیز ہیں وہ جب نو کا طوفان آیا, ٹھیک ہے, جب نو کا طوفان آیا تو اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ سب لوگوں کی ایک ہی زبان تھی, وہ ایک ہی لینگویج بولتے تھے. وہ ایک زبان ہونے کی وجہ سے وہ ایک جگہ پر رہتے تھے اور وہ ملٹی پلائی ہو گئے, بہت زیادہ لاکھوں میں وہ ہو گئے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے ٹاور آف بیبلون بنایا. وہ ٹاور آف بیبلون بنانے میں پیچھے جو طاقتیں تھیں وہ پرنسپالٹیز ہی تھیں, شیطان کی قوتیں تھیں. وہ چاہتی تھی کہ ہم اس کو بلڈ کر کے خدا تک پہنچیں گے اور یہ, بٹ دے ور ایکچولی رولنگ دوز ایریاز. وہ شیطان جو ہے وہ ان کو استعمال کر رہا تھا. لیکن جب ہم آگے پڑھتی ہیں پرنسپالٹیز کے بارے میں, 7:30 ہو گئے ہیں تو ہم اور 15 منٹ سیکھ سکتے ہیں کہ 10 منٹ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں, کیونکہ جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں خداوند کا حکم دیکھنا پڑے. خداوند کا حکم جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو آسمان پر یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان جو قوتیں ہیں انہوں نے سب سے پہلے جب بھی انسانوں کو برگلایا ہے تو ان کو کن کے پیچھے لگایا ہے, مورتوں.
वो मूर्तों के पीछे, क्योंकि हर मूर्त के पीछे एक स्पिरिट ब्लेस होता है, हर एक मूर्त के पीछे एक स्पिरिट होती है, और वो लोग जो हैं उनके सामने वो मूर्त होती है लेकिन उसके पीछे एक स्पिरिट होती है। जब हम पढ़ते हैं एंशिएंट गॉड्स के बारे में, और जब आप एंशिएंट गॉड्स के बारे में पढ़ेंगे तो रोमन गॉड्स हैं, इजिप्शियन गॉड्स हैं, ग्रीक गॉड्स हैं, इंडियन गॉड्स हैं, राइट, और इसके अलावा और दुनिया में बहुत सारी जगहों पर गॉड्स हैं, राइट। वो गॉड्स जो हैं वो स्मॉल जी वाले गॉड्स हैं, देवी और देवता। ये कौन लोग थे, इनके पास ताकतें और कुवतें कहां से आई? ये वही रूहानी फौजे हैं जो उसी तीसरे आसमान पर खुदा के साथ थी, और जब उनको जमीन पर गिरा दिया गया तो वो उन्होंने इंसानों को बहुत सारी चीजें जो रूहानी थी और जो नहीं रिवील अभी वक्त पर करनी चाहिए थी उन्होंने पहले ही रिवील कर दी थी। उन्होंने मजिशियंस बनाए हैं, जो जादूगरी है वो सिखाई, बुतप्रस्ती जो है वो उनको सिखाई, उनको केमिकल्स और दूसरी चीजें और साइंस के मुतालिक जो वो चीजें सिखाई, एडवांसमेंट हथियार बनाने सिखाए, लड़ाई और एक दूसरे को काटना मारना पीटना बहुत सारी चीजें वो हैं वो उन्होंने सिखाई। और ये ना सिर्फ हम अपने स्क्रिप्चर में पढ़ते हैं बल्कि ये हमें तारीखी तौर पर भी ये चीजें मिलती हैं। तारीखी तौर पर भी हम इन चीजों को सीखते हैं, हमें पता चलता है बाइबल के अलावा हिस्टोरियंस ने भी लिखा है, ऐसी टैबलेट्स हैं जिनमें उस जमाने की जुबान लिखी हुई है जिसमें उन्होंने ये चीजें कलम बंद की। फिर एक और पॉइंट है जो पदाश के तीसरे बाग की 15 आयत में है, जब खुदा ने उन आदम ने और हवा ने गुनाह किया तो फिर खुदा ने सजा सुनाई और फिर उसके में उसका हल भी बताया, ठीक है। उसने कहा कि औरत की नस्ल से जो है जी औरत की नस्ल से जो आएगा वो क्या करेगा, वो शैतान के सर को कुचलेगा, उसकी एड़ी को कुचलेगा, ठीक है। तो शैतान को क्या पता चला, शैतान को खुदा के प्लान के मुताबिक पता चल गया, सही ही ना, उसको शुरू ही से पता था कि खुदा यीशु मसीह ने आना ही आना है, ठीक है। इसीलिए जो फरिश्ते उसके साथ आए थे जिनको लिखा गया है कि द सन्स ऑफ गॉड, उनको सन्स ऑफ गॉड कहा जाता है। तो सन्स ऑफ गॉड जो हैं, क्योंकि खुदा जो है जितने भी उसके फरिश्ते हैं, खुदा का पहला एलोहीम जो है वो जमा का लफ्ज है, एलोहीम में वो सारी जो रूहानी ताकतें थी वो उन सबको कहा जाता था, लेकिन उनका मंबा जो है, जो क्रिएटर है वो खुदा था, उसमें बाप बेटा और रूह कुदस जो है वो क्रिएटर है इन सब चीजों के। लेकिन वो हर एक उस कुवत को एलोहीम कहा जाता था, तो वो एलोहीम जब नीचे आए तो इसलिए उनको कहा गया कि वो खुदा के बेटे थे, यानी देवर सन्स ऑफ गॉड। फिर उन्होंने जो है शैतान ने उनके साथ मिलकर जो है जो इंसानी डीएनए था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, ताकि वो सीड जो है वो खराब हो जाए, ताकि खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश ही ना हो सके। तो इस वजह से उसने वो सीड को खराब करने के लिए वो जिन जो औरतें उनको पसंद आई और वो उनके जो बच्चे थे वो जायंट्स थे, वो सूरमा भी थे, और वही पुराने जमाने के जो खुदा बन गए थे, देवी और देवता बन गए थे, वो ही लोग थे। और हम बड़ी अजीब अजीब चीजें हैं, अगर आप जो टेंपल्स हैं इंडिया के टेंपल्स को स्टडी करें तो उन पे जो मूर्तें बनी हुई हैं वो ऐसी मूर्तें हैं बास जगहों पर जो के फ्यूचर को बता रही हैं, आपको फ्यूचर बता रही हैं आपको। वहां पर ये जो टेलीफोन है हमारे पास अब इस तरह
और जो है वो उन्होंने सदियों पहले वो मूरत बनाई है, और जो है वो इसी तरह बिल्कुल सेम फोन जो है इस तरह से आप उसने काम को लगाया और देख रही सुन रही, ठीक है। साइकिल जब उस वक्त आजाद भी नहीं हुआ था उस वक्त वो साइकिल उन्होंने दिखाया हुआ बना मूर्तें जो है वो इस तरह। तो ये एक्चुअली क्योंकि वो स्पिरिचुअल ताकतें थी और वो उनको बताती थी, तो इसलिए इनकी स्टोरीज हैं और वो स्टोरीज जो हैं वो तकरीबन मिलती जुलती हैं, और जब आप उनके निशानात को देखेंगे तो वो भी मिलते जुलते हैं ग्रीक गॉड्स के और रोमन गॉड्स के। यानी सबसे जो बड़े देवता वो मानते थे वो उनमें सूरज था, चांद था, पानी था, दरख्त थे और पहाड़ थे, ठीक है, इस तरह के और सितारे थे, ठीक है, उन सितारों को वो मानते थे। यानी ये जैसे जो उस वक्त तक उनको पता था, लेकिन उन लोगों को जो पता नहीं था वो कुत्ते बताते थे। सो इसलिए जब हम जो हमारे लोग हैं जो बाइबल को नहीं जानते, ठीक है, और उनका ईमान जब इन चीजों को वो देखते हैं तो वो क्या होता है, डावाडोल होता है। वो डावाडोल इसलिए होता है कि उनके पास इलम नहीं है, इसीलिए खुदा कहता है कि माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनको इलम नहीं, और जिनको इलम है तो वो फिर डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकते, क्योंकि यही इलम जो है वो आपकी अटैक के लिए भी काम आता है और आपकी शील्ड भी बन जाता है। सो इन चीजों को हम डिटेल के साथ जो है प्रिंसिपालिटीज जो है ये कब बनी और कौन लोग थे ये जो प्रिंसिपालिटीज में तब्दील हो गए, इसको हम जारी रखेंगे नेक्स्ट टाइम। और सिर्फ मैं ये इतना बताता जाता हूँ कि जब नू के जमाने में खुदा ने उनकी लैंग्वेजेस को चेंज किया था तो बहुत सारी नेशंस जो हैं वो मार्ज़े वजूद में आई थी, ठीक है, देयरफॉर नेशंस, इसलिए कि लोग जो हैं एक जबान और एक जगह पर रहने वाले जो हैं वो मूव हो गए, ठीक है, जैसे चाइनीज जो हैं, जो चाइनीज का वो कुनबा होगा जो भी लोग थे वो मूव करके उस साइड पे चले गए, कुछ रशिया में चले गए, कुछ जो है वो अफ्रीका में गए हैं और कुछ कहीं चले गए। और वो लोग जो हैं जैसे चाइना है फॉर एग्जाम्पल, वो चाइनीज जुबान जो है वो उस वक्त वो लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, इसी तरह जैसे कि हिब्रू लैंग्वेज है, हिब्रू लैंग्वेज शुरू से ही है, लोग जो है वो उसको लिखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, इसीलिए ये लिखी गई और पढ़ी गई, और ये जो है वो टैबलेट्स पर भी मौजूद है, तो इसलिए जब वो टैबलेट्स मिलती हैं तो उनको पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर जो है वो पाकिस्तान में दो जगह पर है, बहुत बड़े पत्थर चट्टान है पत्थर, और उसके ऊपर हिब्रू लिखी हुई है मर्दान के पास, मर्दान में, मर्दान के एक गांव के पास वहां पर वो पत्थर है और पत्थर पे ये लिखी हुई है। और लोग क्या समझते हैं कि जी पता नहीं कौन सी जुबान है, वो ये कहते थे कि ये संस्कृत है, जब तक कि कोई यहूदी वहां पर आया नहीं और यहूदी ने आके पढ़ के उनको बताया नहीं कि ये हिब्रू जुबान है। सो कहने का मकसद ये है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था लोग वो साथ लेके चले गए थे बाबल से, ठीक है, और जो चाइनीज थे वो 500 BC तक, यानी 500 BC तक जो है वो एक ही खुदा को यहोवा ही को मानते थे, और 500 BC के बाद जो है उन्होंने उसको छोड़ दिया, शायद अभी भी उनके किसी कबीलों में और, लेकिन उनकी
हिस्टोरिकल बुक्स जो हैं वो यही बताती हैं, वो एक ही खुदा को मानते थे और वो बिल्कुल जैसे बाइबल में जिक्र है पदाश की किताब में बागे अदन का, वो बिल्कुल सेम पिक्चर जो है वो बताते हैं उनकी किताबों में। सो जब लैंग्वेजेस चेंज की गई तो खुदा ने मुख्तलिफ टेरिटरीज जो हैं वो नेशंस को दे दी और उन नेशंस के ऊपर जो हैं उस फिर सन्स ऑफ गॉड्स जो हैं वो रूल करते थे और वो जो सन्स ऑफ गॉड थे उन्होंने रिबेल किया और जब उन्होंने रिबेल किया तो दे कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपैलिटीज, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए लिखा है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया, जब पाकिस्तान में मैं था तो अपने चर्च में एक दफा पैसा दे रहे थे पैगाम, तो उसमें ये जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि ईरान का मौका, उन्होंने उसका तर्जुमा जो किया है उन्होंने वो कहते हैं कि मौकल हैं हर एक टेरिटरी पर एक एक मौकल, सो दोज आर द प्रिंसिपैलिटीज, वो देवर आल्सो द सन्स ऑफ गॉड। खुदा ने उनको ये इजाजत दी थी कि आप रूल करो इनके ऊपर, इन पे जस्टिस कायम, लेकिन उन्होंने जस्टिस कायम नहीं किया। और फिर खुदा का जो हिस्सा था, खुदा ने अपना पोर्शन बताया था, वो खुदा का पोर्शन कौन सा था, वो इजराइल था, तो उन्होंने उसको भी खराब किया। सो ये जो चीजें हैं इसको हम बाइबल के हवाले से नेक्स्ट टाइम जो है वो देखेंगे, ठीक है, कि खुदा ने जब कहां पर लिखा है कि खुदा ने ये जो है वो नेशंस को दी है टेरिटरीज जो है वो दे दी, ठीक है, तो खुदा का जो पोर्शन था उनको वो उन्होंने कैसे जो है वर्गलाया, और क्योंकि उनमें बुत परस्ती और हर चीज, और इसीलिए खुदा ने उनको तितर बितर कर दिया दुनिया में क्योंकि उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर दी थी। सो खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने।